नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मधेपुरा जिला के आदर्श पंचायत बालमगढ़िया में माननीय मुखिया अनिल अनल और सभी सहयोगी साथी के द्वारा किया गया सैनिटाइजर छिड़काव एवं कोरोना वायरस को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। आपको बताते चले कि बालमगढ़िया में माननीय मुखिया अनिल के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर उपस्थित संजय कुमार शिक्षण, राणा यादव, अरविंद कुमार, अमित कुमार और सभी सहयोगी साथी एवं ग्रामवासी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे परमार्थ आवाज न्यूज के ब्यूरो चीफ की जुबानी। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया में देख रहे हैं कि काफी मात्रा में मुखिया जी और अन्य यहाँ के स्थानीय युवा जनप्रतिनिधि भी साथ में दिख रहे हैं और पूरे पंचायत में सघन सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो आइए हम लोग बालमगढ़िया पंचायत के माननीय मुखिया श्री अनिल कुमार अनल जी से बात करते हैं कि अनिल कुमार अनल जी इससे पूर्व भी सैनिटाइजेशन के ऊपर काफी काम किए हैं इस कोरोना महामारी में। तो आइए अनिल कुमार अनल जी से मिलिए। अनिल कुमार अनल जी, कैसे इतने बड़े पैमाने पर, जबकि पूरे जिला में अभी इस स्तर से बहुत कम जगह काम देखने को मिल रहा है, उसमें अनिल कुमार अनल जी काफी प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। अनिल कुमार अनल जी को कौन कौन लोग किस किस रूप में मदद कर रहे हैं और कैसे ये लोग इस मंजिल तक पहुंचे हैं, जानते हैं हम लोग अनिल कुमार अनल जी से। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया में कोरोना वायरस के संक्रमित जैसे गंभीर वायरस के खिलाफ हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित करवाने में हमारे शिक्षक संघ के संजय क्रांति यादव जी का भी बहुत अहम भूमिका है, जिसमें सभी संगठन के, राष्ट्रीय जनता दल के, जन अधिकार पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, सभी जो छोटे मोटे जो संगठन है गांव के, दल के जो लोग हैं, हमारे गांव के जो समाज के लोग हैं, सभी लोग हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमित के खिलाफ हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम सभी आदमी को बधाई देते हैं कि आज हम लोग इस जंग में सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग संकल्प लिए हैं कि पहले ये महामारी को हम लोग रोकने में कामयाब हो और हम लोग जिले में अपने पंचायत को अव्वल नंबर पर पहुंचा दे कि हम लोग संगठन के लिए माध्यम से सरकारी का जो मदद होता है उससे कहीं अलग हो करके व्यक्तिगत रूप से सभी शिक्षक संघ का, सभी संगठन के, राष्ट्रीय जनता दल के, जनाधिकार पार्टी के लोग के, जनाधिकार पार्टी के नेता के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के द्वारा जो हमें एकजुट होने का जो आशीर्वाद मिला है, इसके लिए हम आभारी हैं इस पंचायत के वासी कि हम लोग एकत्रित होकर के इस संक्रमित बीमारी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आप देख रहे हैं परम आदरणीय विधायक जी चंद्रशेखर बाबू के माध्यम से ये सैनिटाइजर का जो व्यवस्था किया गया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से पंचायत का हम लोगों को, गांव को सुरक्षित रखने का जो पहल किया है, हम आपका आभारी रहेंगे। आपने दलगत से ऊपर उठ करके कौन कौन है एकत्रित करने का जो काम किए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें सभी पार्टी के नेता परम आदरणीय पप्पू यादव जी का भी सभी कार्यकर्ता को निर्देश है कि दलगत से ऊपर उठ करके पहले समाज को बचाओ, फिर हम लोग कोई बात करेंगे। पहले तुम सुरक्षित रहोगे, पहले हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तब हम लोग कोई बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। यहाँ तक हमारे इस संगठन में हमारे शिक्षक संघ के संजय क्रांति जी हैं, जो शुरू से ही जागरूक करने का काम किए हैं। साथ राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष राणा जी हैं, उनका अहम भूमिका है। पूर्व अध्यक्ष संजीव, जिला के छात्र के पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष संजीव जी हैं, जिनका प्रेरित करने में अहम भूमिका है। क्या पप्पू जी हैं, शिक्षक संघ के मठाही के हैं, उनका हमारे पंचायत में आकर के उन्होंने जो प्रेरित किए हैं वो अब उनका हम आभारी हैं। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के पंचायत के युवा के अध्यक्ष हैं मन्नू जी, वो हमें काफी सहयोग कर रहे हैं, ये भी आभारी के पात्र हैं। और सहदेव बाबू, जितने भी
वार्ड सदस्य है, सबका अहम रोल है, अहम भूमिका है। हमारे हमारे यहाँ के जो समिति है, समिति प्रतिनिधि आलम जी का भी अहम रोल है। यहाँ जन अधिकार पार्टी के वरुण जी हैं, बेचन जी हैं, दिलीप सम्राट जी हैं, पंकज जी हैं, नीतीश जी हैं, जो भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, राष्ट्रीय जनता दल के मंजेश जी है घाटाध्यक्ष, उनका भी अहम रोल है। और अरविंद जी हैं मठाही से जो आए हैं, उनका अहम रोल है। क्या अमित जी हैं, अहम रोल है। सहदेव बाबू हैं, अहम रोल है। हम सभी का आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों के प्रयास से